तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को जो टाइम टेबल मुख्य परीक्षा का जारी हुआ था उसमें यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिल गए। यहाँ पर आपको देख सकते हैं विद्यार्थी नहीं मेरा अटल विवि, यहाँ पर मुख्य परीक्षा अब 15 मार्च से होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 1 मार्च से घोषित कर दिया गया थी, मतलब कर दिया गया था। उसके कॉलेज की अतिरिक्त परीक्षा में प्रायोगिक संपन्न नहीं होने के कारण इसका विरोध कर समय सारणी बढ़ाने की मांग की है। यहाँ पर अब 15 मार्च से परीक्षा का निर्धारित की गई है। यहाँ पर जैसे जो 1 मार्च था यहाँ पर उसको 15 मार्च करने के लिए यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जो 2023 की मुख्य परीक्षा के समय सारणी घोषित कर दी थी जो 1 मार्च से थी। विश्वविद्यालय के संबंधित विभिन्न विद्यालयों के आज तक आंतरिक परीक्षाएँ प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हो पाई है। यहाँ पर मार्च प्रथम सप्ताह तक परीक्षाएं समाप्त तो होगी, ऐसे में विद्यार्थी 1 मार्च से परीक्षा देने में असमर्थ हैं। इन्हीं मांगों को लेकर और समय सारणी की तिथि बदलने के लिए को लेकर यहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालय यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय यहाँ पर छात्र यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव मनीष के साथ कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक का घेराव एवं तिथि की वृद्धि की गई है। यहाँ पर इसे मानते हुए अब विधि यहाँ पर विश्वविद्यालय जो 15 मार्च को इसका एग्जाम आरंभ हो, वहीं सभी विषय पर आपको 2 से 3 कम से कम 2 दिन का गैप दिया जाएगा। घेराव करने के मुख्य रूप से यहाँ विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव मनीष मिश्रा यहाँ पर समर्थन मराठी यहाँ पर राहुल समुद्र निखिल सिंह हेमराज शर्मा यहाँ पर और मंथनाथ यहाँ पर संतोष नंदनी आदि यहाँ पर शामिल थे। जो आपको 1 मार्च का एग्ज़ाम देखने को मिल रहा था उसको बढ़ा के यहाँ पर 15 मार्च कर दिया गया। आपका टाइम टाइमिंग बदलाव हो गया, PDF आपको आएगा जैसे हम डाल देंगे टेलीग्राम में, जुड़ जाना आप।